चंद्रपुर चुंबकिया में ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में भाजपा का विरोध करते हुए गांव में एक बोर्ड लगाकर उस पे लिख दिया, रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल काफी समय से यहां के ग्रामीण इटौवा शरीफ नगर रोड से इमरता पर लिंक रोड की मांग करते आ रहे थे, लेकिन हर बार ग्रामीणों की मांग को नकार दिया जाता था। ग्रामीणों का कहना है कि चुंबकिया गांव तक केवल खड़ंजा है, वो भी उबड़ खाबड़ है, इससे आगे जाने का यहां के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब माय भारत के संवाददाता ने गांव के सत्यता जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने बताया कि हर बार शिकायत करने के बावजूद भी भोजीपुरा विधानसभा के भाजपा विधायक ना तो लोगों से मिले और ना ही इस विषय पर कोई बात भी की। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार इस मामले की शिकायत भाजपा विधायक समेत कई जिम्मेदार अफसरों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने तय किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत वो बीजेपी का विरोध करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, अब तक कोई विकास कार्य गांव में नहीं हुआ है, गांव में पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है। आज गांव का बुरा हाल है, लेकिन गांव में सरकार और जनप्रतिनिधियों ने आज तक कोई विकास कार्य नहीं कराया है। हम अब किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो चुनाव आ रहे हैं, इसमें बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे? हाँ, अगर विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं डालेंगे, पूरा गाँव नहीं डालेंगे। लिंक रोड से हमारा जुड़ना चाहिए गाँव जो है, कितनी खराब रास्ता है आपने देखी है, ये देखो पहले निकलना दूभर होता है उस पे जो है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको, बोर्ड लगा के बोर्ड नहीं तो रोड नहीं? जागरूक है आज के टाइम में, देख रहा है इंटरनेट का जमाना है, सारे बच्चों में टैबलेट है, मोबाइल है, सब कुछ देख रहे हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, है? गांधी जी ने कहा था आप आंदोलन करो अहिंसा का, उस रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों विकास भी आ रहा है? योगी जी कह रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फिर विकास क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधि कितने आते हैं, कब आते हैं? कोई नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने एक बार बस। और बीजेपी की 80% पोलिंग होती है, 80-90% यहाँ पे जो है। आज तक किसी नेता ने नहीं सुना, तब से हमने कही थी, जब विधायक जी के पास गए, विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है। सांसद जी के पास भी गए, वहाँ भी जो है आश्वासन मिला, काम नहीं। और बाकी जो है देख देख इंतजार में, मतलब जो है गाँव वालों ने ये सोचा कि वोट लगाते हैं और बहिष्कार करते हैं। तो आगामी 2022 के चुनाव में आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। पूरा गांव ने ये ऐलान कर दिया? हाँ, पूरे गांव ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर काम नहीं होगा तो वोट नहीं पड़ेगा। तो आपके एरिया में विधायक 5 साल से विधायक है, कभी आपके आप जानते कभी नहीं आए विधायक, कभी हमारे गांव में नहीं आए। कितनी बार शिकायतें आप लोगों ने की? कहां शिकायत? दो तीन बार तो विधायक जी से कर दी, 2-3 बार सांसद जी के पास भी लिख के दे दिया और लिखित में दिया है। फिलहाल अभी तक कोई विकास के नाम पे हमारे हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि बोर्ड पर रोड नहीं तो वोट नहीं लिखकर इसलिए लगाया गया है कि बीजेपी को हमारे यहां से 70-80% वोट मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव के नेताओं ने वोट लेने के बाद आज तक यहां की सुध नहीं ली। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है, खड़ंजे पड़े हैं, RCC रोड का नामो निशान नहीं है, हमारा गांव इतना पिछड़ा है कि कोई भी हमारे गांव आए तो उसे ढूंढना पड़ता है कि चंद्रपुर चुंबकिया कहाँ है। नेताओं ने हमें वोट के नाम पर ठगा है, अगर हमारे गांव में विकास नहीं हुआ तो हम मतदान नहीं करेंगे। बरेली से माय भारत के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।